नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुचुरी प्रथमे हेडलाइंस प्रदीप पाणिग्राही मामलें लोकायुक्त जालियाती अभियोग सामना को आसला सांघातिक तथ्य हाइकोर्ट का अर्डर कॉपी जाल बोली स्वीकार कले रजिस्ट्रार जनरल एसएलपी प्रत्याहार पर सुप्रीम कोर्ट का आवेदन लोकायुक्त नैतिकता को नहीं उठला प्रश्न विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ने राज्य सरकार को लेखाश्रीों टार्गेट कहले योजना केते लोक चिकित्सा पाई तार तथ्य रखु सरकार बिना पैसा रे चिकित्सा जोगाई देवा को कही राज्य सरकारवासी को ठकुं स्मार्ट कार्ड केवल निर्वाचन पुशिंग कार्ड बहुचर्चित बारटी हत्या और अपहरण घटन न्याय पाइन पर हाइकोर्ट में जनस्वार्थ मामला भारतीय विकास परिषद पक्ष मामला रुजु पुलिस जाशु दोषी को गिरफ्त कर अभियोग घटनार सीबीआई तदंत दावी केन्द्रापड़े आंदोलनकारी अभिनव प्रतिपाद खरस्रोता मेगा पानी जल प्रकल्प को विरोध कर लंडा हेले युवक जिलापा आवासिक कार्यालय सम्मुखें लंडा हो प्रतिपाद स्वामी सरकार आवास चलु मानिले भाग न मानिले माड़ विवाद में केन्दुझर पावरफुल बीजेडी विधायक बद्री नारायण पात्र पुव देवाशिष पात्र सरपंचों मिसी पंचायत निर्वाही अधिकारी माड़ अभियोग मलकानगि खुलमखुला चली सार कलापचारी चाषी को लुटुंट दलाल सबू जाणीचु प्रशासन चली दलाल राज हतसत अन्नदाता एसएफ स्वामीनारायण मृत्यु मामला पंचम दिन में दुई डाक्टर मेडिकल एडीएम को जेरा सेपटे डीएफओं बढ़ुची अड़ुआ संपूर्ण खबर विधायक प्रदीप पाणिग्राही मामलें लोकायुक्त विरोध में आसीथिबा अभियोग में आउ एक बड़ खुलासा अर्गस हाथ में सांघातिक तथ्य जो छह पृष्ठिया ऑर्डर कॉपी को हाइकोर्ट को दर्शाई सुप्रीम कोर्ट जाते लोकायुक्त ताहा जाल बोले हाइकोर्ट रजिस्ट्रार स्वीकार करते एवं जालियाती धरा पड़ा पड़ जा आत्मरक्षापी लोकायुक्त प्रयास कर विश्वस्त सूत्र मिलता सूचना अनुसार अर्डर को सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी रु प्रतिहार पर पिटिशन दाखल करते लोकायुक्त प्रदीप केस रे वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य आनी अभियोग लोकायुक्त जालियाती पीतांबर आचार्य जी दुर्नीतिग्रस्त से किपर दुर्नीतिर तदंत निर्देश देवे शुणु से लोकायुक्त विरोध में कौन अभियोग आनी पीतांबर आचार्य जहाँ उपरे जिते आस्था भरोसा विश्वास रखी माननीय मुख्यमंत्री कहते जड़े विधायक से सबुठ कड़े दुर्नीतिग्रस्त ये करे ये निजे दुर्नीतिग्रस्त तेणु आप चिंता करूँ इट इज जस्ट लाइक एन अपील फ्रॉम सीजे टू सीजे ये निजे व्यभिचार संपृक्त जालियाती संपृक्त सीए कड़े जालियाती विरुद्ध से अभियोग शुणा करेंगे समथिंग ए मकरी जेहेतु सी जड़े जालिया व्यक्ति एवं जड़े पूर्वतन विचारपति होकरी मान्यवर हाइकोर्टर अवमानना करने सहित गोटे अर्डर जालियाती करी से अर्डर नहीं सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज कले जड़े अनस्क्रिपुलस व्यक्ति आई रिपीट इज अनफिट टू ऑक्युपाय ये क्वासाई जुडिशियल पोजिशन एज द चेयरपर्सन विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ने राज्य सरकार को ऊपर बर्षिले बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार 2018 अगस्त रे आरंभ हैला विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जनवरी 2019 रे राज्य सरकार तथ्य रखिले 1,82,00,000 लोकों को स्वास्थ्य सुविधा मिली एवं केते लोक चिकित्सा पाई राज्य सरकार तहार तथ्य रखत बोली लेखाश्री विभिन्न तथ्य जमापड़ विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना महादुर्नीति बिना पैसा रे चिकित्सा जोगाई देवा को कही राज्यवासी को ठकी चली विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना एक अम्ब्रेला स्कीम 4-5 योजना को मिसाई एही योजना करा जाय छि स्वतंत्र भाव किसी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना नहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजन 28,00,000 लोक उपकृत होते जिला स्तर में मागणा स्वास्थ्य सुविधा पूर्व मिलूला
किंतु बड़ बड़ रोग सुविधा ना जिला स्तर में बड़ बड़ चिकित्सापी लोके कटक और भुवनेश्वर आसुवा बेले घर हस्पिटाल कार्ड ग्रहण करूना कारण 50 कोटी टंका बाकी थिबारु हस्पिटाल गुड़िक कार्ड ग्रहण करना टंकाटे भी अर्थ बराद नक पंचायत और पौर निर्वाचन को दृष्टि रखी फोटो रखी विज्ञापन देखते मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड केवल निर्वाचन पुसिंग कार्ड बोली लेखाश्री ये जो विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हूँ गोटे महादुर्नीति गोटे बड़ स्कैम ओडिशा वासी को भंडेवाई कि गोटे नुआ बढ़िया बहुत सुंदर योजना कारण टंकाटे खर्च न करी जदि आपण कोटिए 82 लक्ष लोक उपकृत करें ठीक से भली भाव में टंकाटे खर्च न करी आपण 135 कोटी भारतीय को भी उपकृत करते तो बिना पैसा खर्चरे बड़ योजनार घोषणा करिकरी ओडिशा वासी को भंडेवार बहुत बढ़िया माध्यम मुख्यमंत्री पाइचंती स्वामी सरकार रे आवास चलू मानिले भाग न मानिले माड़ केन्दुझर आसला संकीन अभियोग पुणी चर्चा रे जिलार पावरफुल विधायक बद्री नारायण पुओ देवाशिष पात्र सरपंच स्वामी मिसी पंचायत निर्वाही अधिकारी आक्रमण अभियोग सेपटे पुलिस साजिश निरपद्रष्टा ब्लॉक परिसर रे पंचायत निर्वाही अधिकारी आक्रमण करने सरकारी कागज पत्र चीरे फोपाड़ी देखते सरपंच स्वामी थाना रे अभियोग कले परिवार लोक जीवन रु मारिदे धमक दि जा मामला को रफा दफापी 50,000 टंका जचा जा घसीपुरा थाना खालिया मेंटा पंचायत सरपंच प्रीतिनंदा भुईया स्वामी सुरेन्द्र भुईया आवास योजन सर्भे करुले तेरे पंचायत निर्वाही अधिकारी रामचंद्र नायक को जड़े छात घर व्यक्ति को आवास योजन सामिल करने बाध्य से राजी न होवारु सुरेन्द्र ब्लॉक कार्यालय परिसर में रामचंद्र को गाड़गुलज करसड़ मरा घसीपुरा थाना अभियोग यापर घसीपुरा विधायक बद्रीनारायण पात्र पुओ देवाशिष पात्र घटनार समाधान पर रामचंद्र को चतुरतारह जल संपद विभाग डाक बंगला को नहीं जाते सेठारे सुरेन्द्र और देवाशिष आवास योजनार तालिका और आउ किछे सरकारी कागज पत्र छड़ाई चिरीदेवास रामचंद्र को माड़ मारी अभियोग सरकार आज्ञा आम उप बहुत जो प्रधानमंत्री आवास योजना घर आम जो इनक्वारी करुड़ा आज्ञा सरपंच मैंने बाध्यबाधकता कर पक्का घर आ ताको कचाहर करके आमको दियो मते से जो खालिया भेटा सरपंच स्वामी सुरेन्द्र भूं घर पाखर गोटे पक्का घर अच्छी से पक्का घर टाक सी कहते जे तो ये घरटा कचाहर करके आमको इलिजिबल करा जाओ मुझे कहली ना आज्ञा पक्का घर को आम दौनु आमर गाइडलाइन ना आदि आपण मैंने आम भूल किसी करुच्छा ब्लक विडीओ को जनातु सी गोटे टीम कर घर आसिक देखिकी सी इलिजिबल कि इनइलीजिबल कले घर दि जाए कंप्रोमाइज करने कहले मुझे ना आज्ञा यहाँ एमती गोटे साधारण जिनस मारधर दि जाव आम यदि आपण कथार कर चाकर भी पलैबापर एटो सुरेन्द्र भूं कहले मुझे टाँचा 50,000 टाँचा दौची ए बाबद अधिक सूचना संतोष जेना रिपोर्टर जोड़ी रही संतोष गोटे पटे आवास टंका को चलू करा जाउछि जो माने योग्य समानकु तो मिलुनाय एवं आउ गोटे पटे सरकारी अधिकारी को गाली माड़ ए सब भितरे 50,000 टंका लांच मध्ये मका जाउछि पूरा खबर टी कोन रहितला घसीपुरा पंचायत जेतेबेले पंचायत समिति कार्यालय रे पीओ मानंकु अत्यंत दुर्व्यवहार कराउछि एवं जोर जबरदस्ती पक्का घर को कच्चा घर दर्शाई घर देबा पई बाध्य कराउची एवं ए बाध्यबाधकता को जितेबाला पीओ माने प्रतिवाद करुछंती सेतेबाला माड़ होची गोटे केस्टडी सामना को आसी वीडियो मध्य एक कथा जानिचंती एवं पूरा पंचायत वासी ठू आरंभ करी पूरा निर्वाचन मंडली रे समस्त जानिचंती एवं ये होची घसीपुरा पंचायत अर्थात घसीपुरा ब्लॉक परिसर दृश्य जो पीओ माने वर्तमान कलम छड़ आंदोलन करिसंती विशेषकर वीडियो को वर्तमान दाबीपत्र दिखाई जे जो सरपंच स्वामी दबंगिरी देखिचंती जो सरपंच स्वामी दादागिरी देखिचंती दादागिरी पछर कारण जने सरकारी कर्मचारी को जो जबरदस्त बेआईन कार्य करने कह एक न मानले माड़ मरा ता सहित जोर जबरदस्त बेआईन कार्य करवा सीधा सड़क रामचंद्र नायक सहित अनेक पीओ आम सहित जोड़ी आप देखुं समस्ते ब्लॉक परिसर में न्याय अपेक्षा करय यहीपाई
जे जणे माड़ मारा एवं ता नारे अभिजोग करागला थाना रे ना ए पर्यंत पुलिस कार्यानुष्ठान नेला ना वीडियो ए पर्यंत तांको आडु तांको कर्मचारी जण को माड़ होईची एक कथा आईआईसी को जणेले किंबा एसपी को जणेले एवं अभिजुक्त जे रहिचंती सरपंचक स्वामी जांकु फेरार होगापी एपर्यंत सुजोग दिगला ए सब सुजोग भितर मास्टर माइंड सरकारी कर्मचारी मैंने साजुंट सरकारी कर्मचारी मैंने जो मैंने ग्राउंड जीरो में काम करुंचने बड़ी पड़ुंट ये हूँ पीओं अभियोग रामचंद्र बाबू आम सहित जोड़ रामचंद्र बाबू पूरा स्पष्टतार सहित कालीर घटना कौन होता आपन को कौन बाध्य कराला से कौन चाहूल आपड़ कौन चाहूल पूरा वर्णना कर मु खाड़ियाबेटा पंचायत आवास प्लस घर इनक्वारी आम मान को दिया सहित जेई आउ जीआरएस माने आम सांगे गोटे टीम कराई और सरपंच आम इनक्वारी कला सरपंच जड़े भाई घर से पाख घर सब भूं आज्ञा तर गोटे पक्का घर थी मुझे पक्का घर लिखी कि सरपंच मत बाध्य करते यू कच्चा घर करके इलिजिबल करूँ सी घर पाइबा निहाति जरूरी किंतु मुझे सी मत ब्लॉक परिसर में आसिक मारे आते अभद्र भाषा गाड़ी देखते मत धमक देखते मुझे पैसा वाला बहुत तेणुकर आम सुरक्षा दरकार कल भी प्रिय भाई मान कल भी परिस्थिति हो पाए तेणुकर मुझे अनुरोध कर पूर्वतन चेयरमैन विधायक माने ये सिटी मते मते मारी सुरेंद्र भैया सीधा साल रामचंद्र बाबू कह आज्ञा आपण मैंने ग्राउंड जीरो काम कर दायित्व नहीं आपण मैंने कंप्रोमाइज करने को डाक भी माड़ है ये अहंकार एत गर्व कौन देखो आम को जिते बड़े कौन सी आरएस इनक्वारी पठाऊँगी आम को सरकारी तरफ गोटे गाइडलाइन दिखाई जे ये गाइडलाइन अनुसार आम मैंने इनक्वारी करी आम जो टीम अच्छे जेई जीआरएस मिसिक गोटे इनक्वारी टीम आम आज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन आम दू कि गोटे बड़ दुखर विषय आम जो घसीपुरा ब्लॉक रे जो इनक्वारीटा आम करूँ आम जदि आज आज्ञा सरकारी नियम को मानवु तेल माड़ न मानिले सस्पेंड तेल कौटा आम कर कहतु तेनाली आपणकर पक्का घर को कचा घर करके दबार व्यवस्था करें सरकार कहतु सरकार तले गोटे गाइडलाइन देदेवे जे सरपंच कहवा अनुसार तले पक्का घर कचा घर कर दिया जाऊ तेनालीर ये आम पीओ भाई जो काली जो माड़ मारे आउ गोटे बड़ दुखर कथा ब्लॉक परिसर आगे माड़ है ब्लॉक एते कर्मचारी अच्छा खोद वीडियो सारे अच्छा पीपीसी सारे जी कि आम आरएच मुख्य अच्छा समस्त आज अनई ब्लॉक आम कम कहीं करूँ जदि गोटे ब्लॉक वीडियो उपस्थित आम आपण मुरबी उपस्थित आपण माड़ है तेल आम आज कौन करूँ कम तेणु या बाबद आम आज आज इनक्वारी करूँ ना जेपर्यंत आम को सुरक्षा किए दबो सुरक्षा मिल कम जोगदेवे जो कर्मचारी मैंने अच्छा से जहाँ विरोध कर बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपंकर तमाम सूचना आगक जारी रबर अभियान समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर स्वागत नुआ दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास घेरिले बीजेपी एवं सिख संगठन पाकिस्तान रे हिंदू मंदिर सिख मानों गुरुद्वार उपरे आक्रमण को निंदा पाकिस्तान रे निकट रे महाराजा रंजित सिंह का प्रतिमूर्ति उपरे आक्रमण को नुआ दिल्ली बीजेपी एवं सिख संगठन पक्षर विरोध प्रदर्शन कराबद अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासख दिल्ली आम रिपोर्टर गगन विश्वाल जोड़े रही गगन पाकिस्तान दूतावास घेरवा को नहीं आज राजरास्ता को ओह्लाई कौन से अभियोग रोचे कौन से दावी रोचे देखते बर्तमान तीन मूर्ति शांति रास्तार मुझे बर्तमान अच्छी रास्त अच्छी देखिपे सीधा चित्र बर्तमान जो पुलिस से डिटेन करती जो बीजेपी और सिख्र कार्यकर्ता मैंने थे आम सहित किसी कर्ता अच्छा सहित आलोचना करवा पाजी आप जो आज रास्ते पे उतरे हैं आपका डिमांड क्या था रंजीत सिंह के जो पिक्चर को वहाँ पर खराब किए हैं ये पहली बार नहीं हुआ है बहुत बार ऐसे सिखों को गुरुद्वार हो हिंदू के मंदिर हो ये बार बार अटैक हो रहा है मैं बहुत ही सरल शब्दों में अपनी
विचारधारा को प्रकट करना चाहूँगा। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से उपाध्यक्ष सरदार अमनदीप सिंह। अगर पाकिस्तान को अपनी ताकत और जोर अजमाइश दिखाने का इतना दम है तो सबसे पहले वो अपने अफगानी मुस्लिम भाई को बचाएं जो उनके पड़ोस में बैठे हैं, उनके लिए तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। उससे पहले सिखों के ऊपर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, पहले जबरन हमारी बहन बेटियों को अगवा किया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई, उनका निकाह कराने की कोशिश गई, यहाँ से विरोध हुआ, जिसके बाद हमारी बहन बेटियाँ वापस आईं। उससे पहले गुरुद्वारा ननकाणा साहब जो कि हमारे गुरु नानक साहब का जो कि पूरे मानवता के गुरु हैं, उनके दर पर स्थान पर पथराव किया गया और आज फिर महाराजा रंजीत सिंह जी के मूर्ति पर, उनके स्टैचू पर तीसरी मर्तबा हमला हुआ है। अगर ये करके पाकिस्तान सरकार अपना जोर अजमाइश दिखाना चाहती है तो मैं इस बात को बड़ी सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि महाराजा रंजीत सिंह जी की विचारधारा को वो आज तक नहीं नष्ट कर पाए, ना कभी नष्ट कर पाएंगे। वो एक ऐसा राज्य शासन बार इनका अटैक करने का मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ यही है कि एक मुसलमान देश के अंदर जो अब मुसलमान बना, उससे पहले वो एक सिख विरासत थी और महाराजा रंजीत सिंह का शासन था वहां पर, दिल्ली से लेके कंधार तक, अफगानिस्तान तक। हरि सिंह नलवा उनके एक ऐसे सिपाही थे जो पहले सिर्फ एक मात्र वो रहे हैं सिख सिपाही या अफगान के अलावा, जिन्होंने पूरी की पूरी अफगानिस्तान पर, काबुल पर झंडा लहराया और सिख विरासत का झंडा लहराया। इस बात से ये आज इतने वर्षों बाद भी, कई सदियों बाद भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। इसको घेरने के लिए आए थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा सिर्फ एक ही चीज है, हमारा सिर्फ एक ही संदेश है, हम किसी के विरोध में नहीं है, मगर कोई भी हमारी संस्कृति और हमारी विरासत को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। और मैं एक बहुत सरल शब्दों में एक बात बता देना चाहता हूं पाकिस्तान सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है कश्मीर सारे का सारा हमारा है, और हमें इस बात पर तुल देने की कोशिश ना करें। नरेंद्र मोदी सरकार जिस दिन अपनी आई पर आ गई तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर तिरंगा झंडा लहराते हुए देर नहीं करेगी, और इस बात का अगर इतिहास देखना हो तो कश्मीर से धारा 370 हटाई और इस साल 15 अगस्त से पहले वहां पर तिरंगा झंडा लहराया और एकमात्र पूरे देश का संदेश दिया गया। तो हम शांतिपूर्वक लोग हैं, हमें शांति से रहने दिया जाए। और हमारी विरासत को जो इन्होंने भंग किया है, उससे पहले गणेश टेम्पल को भी तोड़ा गया था, जिस तरीके से गणेश टेम्पल की दोबारा मरम्मत करवाई जा रही है, हमारी हाथ जोड़कर विनती है पाकिस्तान सरकार से, इमरान सरकार से, कि हमारे महाराजा रंजीत सिंह जी का स्टैचू जितना खंडित हुआ है उसको दोबारा से बिल्ड करवाया जाए और एक आप शांति का और प्यार का प्रतीक दें। धन्यवाद। आपण शुणुले निश्चित भाव से जो मेसेज थी कथा होते जे आम के अशांति चाहूना कितु जी भी आम कौन संस्कृति जो रही परंपरा रही स्टैचू जो भांगुंट आउ थे पुनर्स्थापन करा ना ये जो स्ट्राइक आज दूतावास पर्यटन रही निश्चित भाव आगामी दिन में पाकिस्तान पर्यटन जावाक पचेब ना निश्चित भाव सरकार एम स्थिर रही आम के अशांति चाहूना कितु बारंबार जो अल्प संख्यक लोक रही रही सिख कहतु हिंदू कहतु जो जैन कहतु बौद्ध कहतु बारंबार आक्रमण होउछि धर्मानुष्ठान उपरे मध्ये अटैक होउछि गतकाली मध्ये से चित्र सारा विश्व देखिछि तेणु सेथिपाई हुए तो दिल्ली जो युवा मोर्चा रहिछते एवं सी कम्युनिटी रो लोकमान रहिछते से माने आज राजा रास्ता गोलैथिले माधुरी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपणकर तमाम सूचना पाई जो कथा कहा जाउछि जे राज्य राजरास्ता गोलैछन्ते किंतु आगामी दिन रे समानकर कोन पदक्षेप रहिबो तापर बहुत बहुत तापर मध्ये नजर रहिबो। सरकारी जमी को साग माछ दर में प्राइवेट कंपनी हाथ को टेकी दि जाए अभियोग आसुच्छे राउरकेलू जो कि विरोध प्रदर्शन करतीनिधि सुशांत सुशांत ये खबर पूरा घटनाक्रम कौन रही प्रथम कहतु तो निश्चित भाव माधुरी जहाँ कि आपड़ जानते किसी दिन हम ये घटना को नहीं पूरा राउरकेला सरगरम हो रही पूर्व बीजेपी पक्षर सांबादिक सम्मेलन विरोध प्रदर्शन आज जितेबले 5T सचिव भिके पांड्यान जो राउरकेला गस्त तेणु बीजेपी पक्षर यह प्रतिवाद कर जो दाबी रही जिलापाल जानते ये घटना सी कह गभोग जिलापाल संपुक्त रही बर्तमान भिके पांड्यान को 5T सचिव
विरोध करते गस्त को विरोध करते आम सहित आपड़ देखिपे जो रही प्लांट साइट आदर्श थाना बर्तमान ये बीजेपी कर्मी मैंने रही आम विशेष करके राउरकेला बीजेपी विधायक प्रति निहार राय सहित रघुनाथ पल्ली बीजेपी विधायक प्रति जगबंधु बेहरा रही आम सह आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे केमी कौन घटना टी देखुं आपण अंचल जो जमी रही सरकारी जमी को शगमाच दर में जोटा कि बिक्री कर दि जाऊँगी गोटे प्राइवेट कंपनी की जहाँ को नहीं आप पूर्व सांबादिकम्मन करते आज 5T सचिव जो गस्त को विरोध कर बर्तमान लगातार भाव भारतीय जनता पार्टी राउरकेलार होता जमी घोटाला को विरोध कर सुंदरगढ़ कलेक्टर जहाँ दायित्व नैतिक दायित्व जे रेवेन्यू बढ़ेगा एठी जो जमीर मार्केट वैल्यू 50 कोटी टंका जो जमीर सरकारी वैल्यू 12 कोटी टंका से जमी की 85 लक्ष टंका एकर रे ताकु बिका है गोटे बिजनेसमैन को 50 लक्ष टंका जगह लक्ष टंका रे 60 डिसमिल जगह दे जिलापाल होती इज सपोज टू नो एव्रीथिंग कहीं सी होती लैंड इलेक्ट्रिक चेयरमैन सिंगल विंडो इडकोर चेयरमैन आरडीए रो वाइस चेयरमैन एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड तेणु कलेक्टर होती मालिक सब जगार बिना कौन सी जगार कौन सी फाइल पत्ता भी मूव करनी तो ये स्थिति रे कलेक्टर केमी एत बड़ सरकारी रेवेन्यू लॉस करी गोटे बेपारी के देदेले जिकि गोटे हैबिचुअल जमी दलाल सी एमती बहुत जमी राउरकेला से नहीं बेपार लगे से गोटे होटेल करने गोटे जगह नहीं बेपार लगे बिकिदेला एवं बाकी बहुत जमी तार पूर्व नाँ अभोग रही सी भावे जो सरकारी जमी को लेकिन अन्न्य कार्य यूज करोग रही तेज हाथ को जो जमी टिके दिखाई पक्ष विरोध करम सहित रघुनाथ पल्ली बीजेपी विधायक प्रार्थी जगबंधु बेहरा जोड़ी आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे जहाँकि निहार बाबू अभोग करुले पूर्व ये पुणी बर्तमान जहाँ से घटना आउ थे पुनरावृत्ति जाऊँगी जिलापाल ये विषय जानूं कि सब जाण चुप रोच जदि बाड़ा खाइब हूँ धान हाँ तेल कौन करठिकार जीए कलेक्टर सी हूँ जिलार हूँ सर्वश्रेष्ठ अधिकारी से सब कथा जानती से सब कथा जाणी ये जो जमी माफिया जो जमी राकेट हूँ दुर्नीति एक प्रोत्साहन दौरान तेणु संश्लिष्टता हूँ सबुठ अधिक तेणु आम भारतीय जनता पार्टी पानपो सांगठनिक दिन या विरोध करुचु जे एभलिया जड़े जिलापाल कोमी हूँ पुष्टि सचिव गस्त को आने विरोध करते कौन देखो फाइव टी सचिव को आम जनवाई जाइलु जे ये घोटाला आपत हूँ जेहेतु पूरा सरकार हूँ जड़े मुख्य तेणु आपत कहीं ये विषय न बुझिकी घंट घोड़ मैं चोर सर्दार तेनालीर प्रोत्साहन सब कम हो तेणु से आम घोर विरोध करणी विरोध करूँ कहीं से जेहेतु आसुचर कि मतलब रही राउरकेला तथा सुंदरगढ़ रु सब बेस रेवेन्यू कलेक्शन होती रेवेन्यू कलेक्शन होली बर्तमान से कलेक्टर अच्छा कलेक्टर प्रमोशन होगापर भी तो कलेक्टर ट्रांसफर कराई तेणु ये जो जमी दुर्नीति करते निश्चय धरा पड़ी जाती ये तो गोटे सांपल ता मैंने के दुर्नीति होती जना पड़ जड़े बेपारिक 86 लक्ष माने 86,000 टंका रे डिसमिल दबा माने केते दुर्जुक्तियुक्त ता माने आगामी दिन रे बीजेपी रो कोन अभिमुख्य रहइबो या उपरे आगामी दिन रे बीजेपी जेपंत जमी कैंसिल न होईची से पर्यंत विरोध करिवो आ जमी कैंसिल करबे आमे सब प्रकार चेष्टा करिवो देखुले माधुरी जहाँ कि कहते बीजेपी पक्षर जोटा अभियोग राउरकेला कह दुर्नीतिर बर्तमान गंताघर पलटि जाए विशेष भाव गोटे लोक बारंबार जी कि सरकारी जमीर अपव्यवहार करूँ कहीं कौ आधार बारंबार जमी दि जाने विरोध कर सहित सबु घटन जिलापाल जो भाई भाव जाणीशु चुप हो रोचान जोटा कि कहते जगबंधु बेहरा जोटा कि कहते बंध हो मानने बाड़ी जदि फसल खाइबे तेज आउ घटना एक कथ आ
କହିବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଯାହାକି ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା କୋଟାକୋଟି ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।